दोस्तों साइबर बुलिंग क्या है? आज इस सवाल पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये साइबर बुलिंग है क्या। दोस्तों देखने के लिए, जानने के लिए कि साइबर बुलिंग क्या है, इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, बगल में बने हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको मिले। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों साइबर एक्सपर्ट की भाषा में अगर बात करें तो साइबर बुलिंग का मतलब है दोस्ती करके लोगों को जानबूझकर परेशान करना, ठगी करना साइबर बुलिंग होता है। दोस्तों कुछ लोग इसका इस्तेमाल स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं, वर्किंग वुमेन और वर्किंग मैन के फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करके उनकी पर्सनल जानकारियां, पर्सनल नंबर निकालकर उनसे चैटिंग शुरू कर। और दोस्तों ये क्या होता है कि ये लड़कों से लड़कियां बनकर, लड़कियों से लड़का बनकर, औरतों से आदमी बनकर और आदमी से औरत बनकर फ्रेंडशिप करते हैं और फिर धीरे धीरे उनसे घुल मिल जाते हैं और घुलने मिलने के बाद ये उनसे पर्सनल चैटिंग करते हैं, अश्लील चैटिंग करते हैं और उस चैटिंग को अपने पास सेव करके रखते हैं। बाद में इसी चैटिंग को आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देकर आपके साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं, ठगी करते हैं और आपको मेंटली और फिजिकली परेशान करते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका कि आप कभी भी अनजान व्यक्ति से चैट ना करें। जिसको आप जानते नहीं है उसके फेसबुक अकाउंट पर आए हुए फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को कतई एक्सेप्ट ना करें। किसी भी व्हाट्सएप कॉल को ना उठाएं। व्हाट्सएप पर किसी भी अनजान व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं या जिसको आप जानते भी हैं क्योंकि उसका अकाउंट हैक हो चुका है, इसलिए वो उसकी फोटो लगाकर भी आपसे बात कर सकते हैं। तो जब तक आप फोन करके या किसी तरीके से ये कंफर्म ना कर लें कि सामने वाला बंदा वही है जिसको आप जानते हैं, तब तक उससे किसी तरह की चैटिंग ना करें। अन्यथा की स्थिति में आप परेशानी में पड़ सकते हैं और आप अपनी पैसों की बर्बादी और अपनी मेंटली डिस्ट्रॉट हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जागरूक रहिएगा, मेरे इन वीडियोस को देखते रहिएगा और समझते रहिएगा क्योंकि जानकारी ही इन फ्रॉड से बचाव है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं।